जय हिंद। चलिए इस वीडियो में जानेंगे सेक्स यानी जेंडर, जेंडर यानी सेक्स यानी लिंग, उसे जेंडर भी बोलते हैं। जैसे सोसाइटिकल सामाजिक संरचना में बोलते हैं उसको जेंडर, और ऐसे बायोलॉजिकल नाम में उसको बोलते हैं सेक्स यानी लिंग्स। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये होता है होमोसेक्स, होमोसेक्स होता है, और एक हेट्रोसेक्स होता है, यानी समलैंगिक होता है और एक विषमलैंगिक होता है। समलैंगिक में क्या, समलैंगिक एक विषमलैंगिक, समलैंगिक का इंग्लिश होता है होमोसेक्सुअल, और विषमलैंगिक के इंग्लिश होता है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल को चलिए पहले जान लेते हैं, क्योंकि यह छोटा है, उसके बाद हम लोग यह जानेंगे। समलैंगिक हेट्रोसेक्सुअल मतलब आता है विषमलैंगिक, यानी मेल प्लस फीमेल, यानी नॉर्मल जो मेल और फीमेल होता है के बीच अट्रैक्शन आता है उसे हेट्रोसेक्सुअल में रखा गया है। और आते हैं होमोसेक्सुअल का, यानी समलैंगिक में, समलैंगिक में किसे आता है, तो फर्स्ट होता है तो लेस्बियन, फर्स्ट लेस्बियन यानी फीमेल और फीमेल, मतलब दो फीमेल, एक फीमेल यहाँ और एक, मतलब एक फीमेल और एक फीमेल और, यानी दो फीमेल जब मिलकर दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लेस्बियन, और वो फीमेल है ना उसको मेल के प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह लेस्बियन में आता है। जब भी अट्रैक्शन होगा तो फीमेल को फीमेल से ही होगा, कब, जब वो लेस्बियन होगा तब, समझ गए। अब आते हैं गे, गे का उसी तरह सेम इसके अपोजिट होता है, मेल है तो जब भी इसको अट्रैक्शन होगा तो मेल ही होगा। कोई होता है जबरदस्ती मैरिज के शादी करवा दिया जाता है लेकिन उसको प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा, जब होगा तो मेल को मेल से ही अट्रैक्शन होगा, तो वो किस में आता है, वो गे में आता है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में क्या होता है, बायसेक्सुअल में नॉर्मली फीमेल होता है, मेल होता है, फीमेल होता है। अगर मान लीजिए मेल है तो फीमेल से भी अट्रैक्शन होगा उसको, मेल से भी अट्रैक्शन होगा उसको, मेल, अगर फीमेल है तो मेल से भी अट्रैक्शन होगा और ही फीमेल से भी अट्रैक्शन होगा, तो वो किस में आता है, बायसेक्सुअल में आता है, समझ गए। अब आता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर यानी किनर, हिजड़ा और छक्का को बोलते हैं, जिसके पास पेशाब के सिर्फ रास्ता होता है, और मतलब सिर्फ पेशाब की रास्ता रहता है, बाकी पार्ट डेवलप नहीं होता है, मतलब पेशाब और सब जैसे पेनिस वोनिस डेवलप नहीं होता है, सिर्फ पेशाब की रास्ता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनर यानी छक्का। कहे से किनर, अगर बताए किनर को देखते हैं किस तरह समाज में देखा जाता है, तो इसी तरह कोई बताएगा समय बायसेक्सुअल हूँ कि गे हूँ कि लेस्बियन हूँ, हमको लेस्बियन हूँ तो लड़की को फीमेल को फीमेल से ही अट्रैक्शन होगा, गे है तो मेल को मेल से ही अट्रैक्शन होगा, कोई बताएगा उसको समाज किस नज़र से देखेगा, इसीलिए कोई नहीं बताता है, समझ गए। मतलब ट्रांसजेंडर किनर ही और छक्का आता है उसमें। अब इंटरसेक्स में क्या होता है, जिसके पास पेनिस भी रहता है, इंटरसेक्स में जिसके पास पेनिस भी रहता है और वेगेना भी रहता है, वेजीना भी रहता है यानी यूनि भी रहता है, उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना ही वो कह सकता है मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, क्योंकि उसके पास जो मेल के भी पार्ट रहता है और फीमेल के भी पार्ट रहता है, तो वह इंटरसेक्स में आता है, समझ गए आप सभी का। और इसको एक ग्रुप में रखा गया, उस ग्रुप का नाम है क्योर, जैसे LGBTI, L से लेस्बियन, G से गे, B से बायसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, I से इंटरसेक्स, को एक क्या में रखा गया है, अलग ग्रुप में रखा गया है, जिसका अथी है क्योर ग्रुप है, समझ गए। और एक आता है टॉम बॉय, जो यहाँ पर पहले से लिख दिया है, इसके बारे में अभी लिखे नहीं, बता देते हैं, जगह ना रहता है, तो टॉम बॉय किसे कहते हैं, एक लड़की होगी जो लड़का की तरह हेयर स्टाइल रखेगी, कपड़ा पहनेगी, जो लड़का के मतलब फिजिकल एक्टिविटी करेगी, लड़का वाला वो खेलेगी कूदेगी, मतलब बदमाशी थोड़ा ज़्यादा करेगी, लड़का वाला ऐसी दिखाएगी, वो टॉम बॉय होता है, लड़का के पोशाक पहनेगी और हेयर स्टाइल मतलब हेयर बाल और छोटा छोटा रखेगी, वह बोलते हैं, उसे बोलते हैं टॉम बॉय। चलिए सब, और फिर बोल देते हैं सेक्स यानी लिंग होता है, यानी जेंडर, जेंडर को भी सामाजिकल में बोलते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल बोलते हैं, होमोसेक्सुअल मतलब समलैंगिक और हेट्रोसेक्सुअल मतलब विषमलैंगिक बोलते हैं। लेस्बियन में आता है फीमेल प्लस फीमेल, हेट्रोसेक्सुअल में कहते जाता है नॉर्मल मेल प्लस फीमेल, मेल और गे में आता है मेल और मेल, बायसेक्सुअल में मेल भी आता है, फीमेल आता है और मेल आता है, और एकरा से अट्रैक्शन होगा नॉर्मल की कथी में आ जाएगा हेट्रोसेक्सुअल में, अगर मेल प्लस फीमेल तो हेट्रोसेक्सुअल, अगर मेल और मेल से अट्रैक्शन होगा तो यह गे में आ जाएगा, लेकिन अगर यह दोनों में आएगा अट्रैक्शन तो कौन आ जाएगा, बायसेक्सुअल में आ जाता है।
अब आता है फीमेल, और फीमेल और फीमेल से अट्रैक्शन होगा तो यह लेस्बियन में आ जाता है, लेकिन मेल और फीमेल से अट्रैक्शन होगा तो यह हेट्रोसेक्स में आ जाता है। लेकिन ट्रांसजेंडर इस समय कुछ नहीं होता है, समझ कर, ट्रांसजेंडर का सिर्फ पेशाब की रास्ता रहता है और डेवलप नहीं होता है, समझ गए। अब आता है इंटरसेक्स, इंटरसेक्स मतलब लिंग और एक पेनिस दोनों रहता है, जिसके पास लिंग भी रहता है और पेनिस भी रहता है। चलिए अब आता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल आता है मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, मेल भी आता है, और फीमेल भी आता है, मेल भी आता है, फीमेल भी आता है। ट्रांसजेंडर मतलब बता ही दिए आप सभी को, रिवाइज करवा रहे हैं। इंटरसेक्स मतलब पेनिस रहता है, जिसके पास यानी लिंग भी रहता है, वैजिना भी रहता है यानी यूनि भी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्स। और टॉम बॉय जो लड़का की तरफ पोशाक मतलब लड़का का पोशाक पहनती है उसे बोलते हैं टॉम बॉय, और हेयर स्टाइल फिजिकल उस सब रखता है उसे टॉम बॉय बोलते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, आप उतारना चाहते तो उतार दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना भी ना रुके, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। जय हिंद।